पुणे की पोर्शे कार दुर्घटना को लेकर राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस अधिक सतर्क हो गई है, किंतु इसी बीच शहर के गिट्टी खदान इलाके में एक मामला सामने आया है और इस मामले में एक कार चालक ने दो महिलाओं को कुचलकर उनकी जान लेने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर घटना सामने आई है। दोनों महिला मित्र सुबह टहलने निकले, इस दौरान सफेद रंग की कार ने उनका पीछा कर कुचल कर हत्या का प्रयास किया। वीडियो में जिस धीमी गति से कार उनके पीछे आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि दोनों महिला में से कोई एक कार चालक की टारगेट पर थी, लेकिन उसने दोनों को ही टक्कर मार दी, जिससे वह हवा में उछल कर सड़क पर गिर गई और एक महिला के ऊपर से कार निकल गई। इस मामले में गिट्टी खदान पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चर्चा है कि यह सुपारी देकर हत्या कराने का प्रयास है। गत दिनों घटना की शिकायत गिट्टी खदान थाने में दर्ज कराई गई थी। जख्मी का नाम ममता संजय आदमनी और वंदना अजय पाटिल है। घटना शिवाजी चौक के पास की है। दो युवकों ने कार को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। दोनों महिलाएं विधवा है। इस मामले में एक आरोपी हिरासत में है, जो कि पेशे से टैक्सी चालक बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी दी पुलिस उपायुक्त राहुल मत्ने ने। सदर हा अपघात आपण जर प्राथमिक दृष्ट्या बघितलं तर कुठंतरी लेफ्ट साईडला गाडी जाऊन ज्या संबंधित लेडीज वॉकिंगला जात होत्या त्यांना पाठीमागून धडक दिलेली दिसून येते। त्याच्यामध्ये चौकशी अंतिमी सर्व CCTV फुटेज पाहून आम्ही एक आरोपी ताब्यात घेतला आहे। सरळ आरोपीला आपण अजूनही पडताळणी करत आहे, काही फिर्यादीच्या त्याबाबतीत ऑब्जेक्शन असतील तर निश्चितच त्याबाबतीतसुद्धा आमचा तपास चालू आहे, पण आम्ही पूर्णपणे त्या आरोपीपर्यंत पोचलो आहे। गाडी पण आम्ही त्या अनुषंगाने जप्त केलेली आहे आणि त्या आरोपीला काल आपण नोटीस देऊन सोडण्यात आलेला आहे। तो अंदाज आहे की त्यांनी रात्रभर त्या ठिकाणी ड्रायव्हिंग करून तो सकाळी घरी चालला होता आणि बहुतेक असे होऊ शकतं की त्या ठिकाणी त्याची कुठंतरी डुलकी लागली आणि त्या डुलकीमध्ये तो गाडीचं नियंत्रण त्यांनी नियंत्रण राहिलं नाही आणि त्या अनुषंगाने अपघात झालेला प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येते। तरीसुद्धा आम्ही विविध अँगलमधून त्याचा तपास करत आहोत। जे कायदेशीर जी प्रक्रिया आहे की जो ऑफेन्स दाखल झालेला आहे त्याच्या अनुषंगाने जे कायदेशीररित्या प्रक्रिया आम्ही पूर्ण केलेली आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।